हमारे इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ मैं आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE क्लास 12th इंग्लिश का एक डिक्लाइनिंग इनफॉर्मल इनविटेशन आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल भाषा में बहुत इसका एक अच्छा फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ जिसको आपको याद कर लेना है, दो चार पंक्तियाँ याद कर लेनी है, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से इसको एग्ज़ाम में हल कर सकते हो। इससे पहले मैं इस इनविटेशन पर एक, क्योंकि आपके कोर्स में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन है, इस पर मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग का और डिक्लाइनिंग का भी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसे करके मैंने चार वीडियो शायद 10-10 मिनट के बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जा कर के वहाँ आप सर्च कर लेवें प्ले लिस्ट के अंदर क्लास 12th है ना, तो चार वीडियो आपको हमारे इसमें मिल जाएंगे ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मुश्किल से आपको 10-10 मिनट का एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें, आपको बेनिफिट होने वाला है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें मित्रों और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट ज़रूर करें मित्रों। चलिए इस फॉर्मेट को आप देखिए, ये डिक्लाइनिंग है यानी कि आप उस फंक्शन में जाने में असमर्थ हैं और वो इनफॉर्मल रिलेशन है अपना, यानी कोई भाई का हो सकता है, बहन का हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है, अपने कोई भी रिलेटिव्स का ये इनविटेशन हो सकता है। उसमें आपको कोई न कोई ऐसा कारण आ गया है जिसमें आप नहीं जा सकते, उसमें आप अटेंड नहीं कर सकते, इनएबिलिटी बताना है आपको कि क्यों नहीं जा सकते, क्या समस्या आ गई है, लेकिन उसको आप लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे ये आप देख लीजिएगा। एक्सेप्टिंग वाला वैसा का वैसा ही अपने को क्या करना है, यहाँ पर तो एड्रेस लिखना है कि जिसको हम जो व्यक्ति इस लेटर को इनविटेशन को लिख रहा है उसका पता, यानी कि अपना पता, इसको समझ लेवे कि भाई ये अपना पता अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लिख देवे मकान नंबर जैसे 25 आज़ाद नगर भीलवाड़ा, और फिर डेट लिखे, एक लाइन छोड़ के डेट लिखें आप मार्च 31, 2021। फिर यहाँ डियर फ्रेंड सिस्टर ब्रदर जो भी आपका आया रिलेशन वो यहाँ लिखे। आई एम ग्लेड टू नो दैट, मैं जो मुझे ये जानकर बहुत बेहद खुशी है कि यू हैव इन्विटेड मी इन योर फंक्शन, मुझे आपने इन्वाइट किया है, मुझे निमंत्रित किया है, मुझे बुलाया है, आमंत्रित किया है। यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे अपने ने एक्सेप्टिंग में लिखा था वैसे ही इसी डिक्लाइनिंग में लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है कि कौन से फंक्शन में आपको बुलाया है। बर्थडे सेरेमनी है, एक वेडिंग सेरेमनी है, एक वेडिंग पार्टी है, एक बर्थडे पार्टी क्या है, वो आपको वैसे तो एक इस क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, लेकिन आपको यदि नहीं आया, वैसे आता है 100% उसमें आएगा कि कौन से फंक्शन में आपको बुलाया है, वही फंक्शन आपको यहाँ लिखना है, उसकी डेट लिखनी, डे लिखना है और टाइम और प्लेस लिखना है। फिर ये लाइन आपको याद कर लेनी है, दिस विल बी ए ग्रेट टाइम फॉर यू, है ना, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या हुआ कि आई एम सॉरी ये लिखना है, उसमें थोड़ा सा आई एम ग्लेड टू नो इस तरह से था, इसमें क्या है आई एम वेरी वेरी सॉरी, यानी कि मैं अपने आप को ऐसा फील करता हूँ, आई एम सॉरी टू टेल यू, मुझे ये बता करके बहुत सॉरी हो रही है कि दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, कि मैं आपके इसमें फंक्शन में नहीं आ सकता, नॉट एबल योग्य नहीं हूँ आने का, ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, कोई ऐसा कार्य आ गया है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, अपरिहार्य कारणों से मैं नहीं आ सकता। तो यहाँ क्या है, यदि इसमें एग्जाम इस क्वेश्चन में कोई कारण आ जाए तो उस कारण को लिखना है, वरना आप अर्जेंट वर्क लिख सकते हैं, अनअवॉइडेबल वर्क लिख सकते हैं, और फिर यही योर्स लविंग, यदि फ्रेंड का आया है तो आप सिंसियरली लिखें, है ना, लविंग सन फादर का आया, मदर का, ब्रदर का, इस तरह से आया तो आप उसमें उसी अनुसार ये आप लिखें, और फिर उसका नाम अपना नाम यहाँ लिखा जाता है। तो देखो यू आर अरुण है तो अपना नाम सबसे पहले कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखिए आप चारों तरफ बाउंड्री जरूर करें इसके, है ना, ऊपर लिख देवें आप कि भाई डिक्लाइनिंग, है ना, डिक्लाइनिंग इनविटेशन, है ना, इनफॉर्मल आगे लगा देवें आप, अब देखो यू आर अरुण, यहाँ अरुण लिख दिया,
यू लिव एट 65 रामनगर जयपुर, तो यहाँ आपको क्या करना है, जो इसमें बताया वही लिखना है, 65 रामनगर, यहाँ भीलवाड़ा की जगह जयपुर लिखना है। डेट जिस दिन अपन लिखते हैं वो वही रहेगी। फिर क्या है, यू लिव एट, यहाँ अपना एड्रेस बता दिया, यानी कि अपना एड्रेस यहाँ आ गया। यू का मतलब आप अपने आप को समझें यहाँ पर कि मैं हूँ, है ना, मैं कहाँ रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ। यू हैव बीन इन्विटेड बाई योर फ्रेंड, है ना, मित्र की, हितेश की, क्या है, हितेश ने आपको बुलाया है। किसके लिए बुलाया है, टू अटेंड द डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी में अटेंड करने के लिए आपको बुलाया है। यू हैव सम अर्जेंट, और आपका वहाँ क्या है, एक अर्जेंट प्रीवियस इंगेजमेंट से, आपने पहले से ही किसी को समय दे रखा है और आपको वहाँ जाना है, एक अर्जेंट प्रीवियस इंगेजमेंट है, इसलिए आप उसमें नहीं जा सकते। फिर देखो, क्वेश्चन से ही आपको आंसर लिखना है, और उस इसी को समझ करके अब समझना है कि इनफॉर्मल इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है। तो आपको जब इनएबिलिटी मिल जाती है, इसमें इनएबिलिटी का मतलब आना संभव नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा, अयोग्य हूँ आने के, इनएबिलिटी अटेंड का मतलब होता है कि भाई आप डिक्लाइनिंग कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं कि आप नहीं जा पाएंगे उस फंक्शन में। तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई करिएगा शोइंग योर इनएबिलिटी, और उसमें आप अपनी असमर्थता बताइए और उसको लिखिएगा। तो आपको यही लिखना है, यहाँ डियर फ्रेंड आ जाएगा, या तुम चाहो तो डियर फ्रेंड का नाम भी यहाँ लिख सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड का नाम है डियर हितेश, है ना, डियर हितेश, आई एम ग्लेड टू नो दैट यू हैव इन्विटेड मी इन योर, कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन है योर डिनर पार्टी, है ना, डिनर पार्टी के लिए आपको बुलाया है, तो यहाँ डिनर पार्टी लिख दें आप। अब किस दिन बुलाया है ये आपकी डेट टाइम वगैरह नहीं आया है, आप यहाँ अपने मन से लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दें ऑन, जैसे 31 मार्च को लिखा तो आप अप्रैल लिखें, इससे पहले वाला नहीं लिखें, ऑन 2nd अप्रैल, है ना, 2nd अप्रैल 2021 एट हिज रेजिडेंस, उसके रेजिडेंस पर ही हैं, ये वहाँ बुलाया, प्लेस हो गया, डेट हो गई, टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 कब बुलाया, 7 PM, है ना, PM शाम को, शाम का समय 7 बजे। दिस विल बी ए ग्रेट टाइम फॉर यू, ये आपको वापस लिखना है। अब आगे लिखना है, आई एम सॉरी टू टेल यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन में मैं नहीं आ सकता ड्यू टू, अब ये आपको इसमें से यदि कारण आया तो वो लिख सकते हैं, ड्यू टू एन अर्जेंट प्रीवियस इंगेजमेंट्स, नहीं आया तो वही लिखेंगे अपन, प्रीवियस इंगेज मेंट्स ये लिखोगे, और उसके बाद योर्स, यहाँ मित्र है तो सिंसियरली लिख दीजिएगा, सिंसियरली योर्स सिंसियरली, और यहाँ नाम आपका यहाँ आया है, अरुण आया है तो आप अरुण लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट को याद करने में, कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको हल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।